भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनखंडी स्थान चौक स्थित दूध सेंटर के सामने चंदौर निवासी सुशील ताती के पुत्र नीरज कुमार को चाकू मार दिए जाने के मामले में भगवानपुर थाना के एसआई राजीव कुमार सिंह ने इस कांड के आरोपी चंदौर मुबारकपुर निवासी रामनंदन ताती के पुत्र सुशील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस संबंध में जख्मी नीरज कुमार की मां फूलो देवी ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि मेरा बेटा नीरज कुमार बीमार था, वह दवा खाकर घर में था। शाम करीब 7:30 बजे चाय बनाने के लिए बोला तो मैं उससे बोली कि घर में चीनी नहीं है, इस पर मेरा बेटा चीनी लाने के लिए बनखंडी स्थान चौक गया तथा तभी करीब 8 बजे बनखंडी स्थान स्थित दूध सेंटर के सामने घर वापस लौटने के क्रम में दो मोटरसाइकिल पर सवार चंदौर निवासी रामानंद ताती के पुत्र सुशील कुमार, अतरुआ निवासी निजाम के पुत्र राजा निहार चौधरी के पुत्र भुवन चौधरी एवं बनवरी पुत्र निवासी देवनारायण चौरसिया के पुत्र मनीष कुमार आकर मेरे बेटे को घर से ले गया और मेरे बेटे नीरज को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से नीरज के पेट में चाकू भोंक दिया और मनीष कुमार नीरज का गर्दन पकड़ लिया था। जब मेरा बेटा बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा तब आसपास के ग्रामीण सुशील कुमार को पकड़ लिया और स्थानीय थाने को सूचित किया। फिर हम लोग स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से जख्मी नीरज कुमार को इलाज हेतु धृति जीवन हॉस्पिटल लाए जहां इलाज चल रहा है। भगवानपुर से चंदन शर्मा की रिपोर्ट। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, आईटीआई, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।